हे भगवान, बस नीट निकाल दो, 100 नारियल फोड़ूंगा। चलट। तो आज है नीट, और नीट की फाइनल रिवीजन करने के बाद मैं चला गया खाना खाने। और आज खाना खाते खाते खुशी हो रही थी, क्योंकि आज मैं मेस का खाना आखिरी बार खाऊंगा। फिर मैंने अपने मेस वाले अंकल के बेटे मतलब छोटे डॉन का आशीर्वाद लिया, और इसने भी मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल दिया। फिर मैंने टी शर्ट पहनी, बैग पकड़ा और सारे लाइट्स बंद करके चला गया शिंदे भाई के रूम में। और यहां शिंदे भाई एडमिट कार्ड के साथ 100 रुपए की पत्ती डालकर शायद रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। राजा जी, फिर मैंने भगवान को कहा कि भगवान जी, हमने तो अपना काम कर दिया है, अब बस आप देख लेना जो हो सकता है। फिर क्या, फिर निकल गए अपने सेंटर की तरफ। और फिर चलते चलते रास्ते में एक जूनियर मिल गया, और उसने भी बेस्ट विशेस दे दी। पर फिर आई असली प्रॉब्लम, और हमें बहुत देर तक मोल भाव करने के बाद आखिरकार एक ऑटो मिली गया। फिर ऑटो में बैठकर हम अतरंगी रास्तों से होते हुए अपने सेंटर की तरफ निकल गए। फिर सेंटर पहुंच गए, और सच में यार ये सेंटर बहुत अच्छा था। और फिर वहां बैठे बैठे वेट करते हुए मुझे दिखी लोगों की भीड़। यार मुझे तो लगता है पूरे देश के बच्चे नीट ही देने वाले हैं, पता नहीं सबको डॉक्टर ही क्यों बनना है। और फिर हमारा भी टाइम आ गया, इसलिए शिंदे भाई और मैं चले गए सेंटर के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नीट एस्पिरेंट्स कमेंट करो।